जय जिनेंद्र दोस्तों, आज आपको सुनाने जा रहा हूँ माणिकचंद सेठ माणिभद्र कैसे बने। उज्जैन भैरवगढ़ स्थित माणिकचंद सेठ की कोठी और परिवार। हमेशा पिताश्री के साथ अष्ट प्रकारी पूजा करने के लिए जाता हुआ माणिक। साधुओं के परिचय के अभाव से माणिकचंद सेठ लोकागज के यतियों का प्रवचन सुनते हैं और धीरे धीरे देव दर्शन पूजन आदि बंद करते हैं। माँ अपनी पुत्र वधु से कहती है, बेटा माणिक बुरे मार्ग की ओर मुड़ गया, तू क्यों ध्यान नहीं रखती। माँ मैं हर रोज समझाती हूँ, फिर भी वे यतियों के कुशंग को छोड़ते ही नहीं। उस समय उज्जैन में महान आचार्य श्री आनंद विमल सूरी जी महाराज साहब 400 शिष्यों के साथ आते हैं। श्रावक उन्हें लेने के लिए जाते हैं। आचार्य महाराज का प्रवचन माणिक सेठ के सिवाय सब रुचिपूर्वक सुनते हैं। माँ भी प्रतिदिन प्रवचन में जाती है। आई बिल ओली पालने के प्रसंग पर माणिक माँ को घी परोसते हैं। माँ इनकार करती है। माणिक पूछते हैं, माँ क्यों। बेटा जब तक तू आचार्य के पास ना जाएगा तब तक मैं घी ना लेने की प्रतिज्ञा है। माँ ऐसा मत कर, तू घी ले, मैं आचार्य महाराज साहब के पास जाता हूँ। मुझे साधुओं रुचि नहीं, फिर भी तू कहती है तो जाता हूँ। माणिक मुनिश्री को वंदन करके पूछता है, आचार्य महाराज का है। गुरुदेव शिप्रा नदी के तट पर शमशान में ध्यान करने के लिए पधारे। आचार्य भगवान शमशान में एकाग्र बनकर प्रार्थना कर रहे हैं। आचार्य ध्यान में लीन है या ढोंग करते हैं। उसकी परीक्षा करने के लिए लकड़ी लेकर दाढ़ी सुलगाते हैं, लेकिन आचार्य श्री ध्यान में ही मग्न रहने से माणिक से चंद्र सेठ को पश्चाताप होता है। गुरुदेव क्षमा कीजिए, आप महान हैं। माणिक प्रतिदिन व्याख्यान सुनते हैं। शुद्ध सम्यक्त्व की प्राप्ति कर विचार विमर्श के साथ साधुओं के भक्ति करते हैं। गृह जिनालय का निर्माण करके प्रतिदिन प्रभु की पूजा करते हैं। नव तत्व के स्वाध्याय के साथ प्रतिदिन सहाय करते हैं। साधार्मिक भक्ति के साथ गरीबों को दान देते हैं। उज्जैन से माणिक सेठ व्यापार रोजगार के विकास के लिए पाली नगर में जाते हैं। पाली में धर्म ध्यान के साथ सेठ का व्यापार पूरे जोश में चलता है। बहुत वर्षों के बाद आचार्य आनंद विमल सूरी जी महासाब को माणिक चंद्र सेठ चातुर्मास कराते हैं और शत्रुंजय महामहत्व का श्रवण करते हैं। शत्रुंजय का वर्णन सुनकर भाव विभोर बनकर शत्रुंजय की यात्रा न हो तब तक अन्न जल का त्याग करने की प्रतिज्ञा के साथ वाष्य द्वारा आशीर्वाद लेते हैं। कार्तिक पूर्णिमा से यात्रा शुरू करते हैं। श्री सिद्धगिरी का स्मरण और नवकार मंत्र का स्मरण करते आगे बढ़ रहे हैं। सातवें दिन मगरवाड़ा के जंगल में सशस्त्र भीड़ों का समूह मिलता है। माणिक चंद्र कहते हैं, नमो हरियंताणम। मौनधारी ध्यान मग्न सेठ पर हमला करते हैं, फिर भी सेठ बोलते नहीं है, जिससे लुटारू लोग उपद्रव करते हैं। कुपित हुए लुटारुओं ने सेठ पर हमला किया और पवित्र शरीर के तीन टुकड़े कर दिए। ध्यान मग्न सेठ जी की मृत्यु हो जाती है। माणिक चंद के सेठ के शरीर के तीन टुकड़े हुए, उसमें सिर उज्जैन में अपनी कोठी के पास गिरा, सेठ जी का धड़ मगरवाड़ा में गिरा और पाव की पीढ़ी आगरोड नगर में गिरी। माणिक चंद सेठ गुरुदेव की कृपा, चौव्यासात उपवास, श्री सिद्धगिरी का ध्यान और श्री नवकार मंत्र के अंतिम श्वास तक स्मरण से मृत्यु पाकर भवनपति देवलोक में 52 वीर और 64 जोगणी के नायक ऐसे समर्थ शक्तिशाली माणिभद्र इंद्र स्वरूप में प्रकट होते हैं और भोग विलास में मग्न बनते हैं। 16वीं शताब्दी मतांतर और गज भेद के ममत्व के बंधन में फंसी हुई थी। तपागज के मुनियों को मारने के लिए तंत्र मंत्र यज्ञ यागादि का सहारा लिया जाता था। ऐसे एक प्रयोग से तपागजाचार्य श्री आनंद विमल सूरी जी के शिष्य एक के बाद एक मरते जा रहे हैं। आचार्य श्री चिंता से मग्न है और तुरंत ही प्रकाश की एक रेखा उनके सामने से निकली। आचार्य श्री आनंद विमल सूरी जी महाराज साहब तुरंत खड़े हुए, मगरवाड़ा की ओर अपने शिष्यों के साथ विहार शुरू किया। मगरवाड़ा के जंगल में श्री नवकार मंत्र के ध्यान में मग्न होकर शासन देव का स्मरण किया।
स्वर्ग के सुख में तल्लीन श्री मणिभद्र इंद्र का ध्यान किया। प्रकट होकर श्री मणिभद्र यक्षराज जल्दी से आचार्य श्री के सेवा में खड़े हुए। आचार्य श्री से हकीकत जानकर हतप्रभ हुए मणिभद्र इंद्र ने तपागज के मुनियों को मारने वाले काल भैरव के साथ युद्ध किया। अंत में युद्ध में काल भैरव पराजित हुआ और भविष्य में कभी भी मुनि हत्या का पाप नहीं करूंगा, इस प्रकार की गदगदित आवाज में बोलकर मणिभद्र यक्षराज के पांव में गिरा। श्री मणिभद्र इंद्र ने सूर्य जी के पास आकर काल भैरव के पराजय की बात की, आलस के लिए माफी मांगी और सूर्य जी से विनती की कि उपयोग की जागृति के लिए तपागज के उपाश्रय में मेरी स्थापना कीजिए। सूर्य जी ने विनती का स्वीकार की। तले गांव महाराष्ट्र, बड़े पोशीना गुजरात, जयपुर राजस्थान, जावरा मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, महावीरपुरम, पावागढ़ गुजरात, रतलाम।